पता नहीं पापा को क्या हो गया। ये वही पापा हैं जो हमें डांटते तक नहीं थे और आज हमें धमकी दे रहे हैं। पापा ने आज तक अपनी जिंदगी में पैसों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया और आज ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो वो वापस नागपुर चले जाएंगे। वेरी स्ट्रेंज। हाँ भैया, और पापा हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सिर्फ सिया उनकी बेटी हो और हम तो उनके कुछ लगते ही ना हो। लगता है पापा बदल गए। आज तक पापा ने हमें कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं किया। क्यों, अब समझ में आ गया तुम्हें? जब मैं थैली थी तो तुम तो मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। मुझे तो शुरू से ही पता था कि पापा सबसे ज्यादा सिया से ही प्यार करते हैं। आप सही कह रही हैं भाभी, मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि हम उनकी औलाद ही ना हो। मुझे तो शुरू से ही पता था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज सब कुछ प्रूव हो गया है। वो तो अच्छा है कि समय पर निदिता जी ने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम्हारे पापा और प्यारी बहन सिया का असली रूप सामने आ रहा है। अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक सोचा समझा प्लान था। प्लान? कैसा प्लान? आपके पापा का प्लान। वो अपना सब कुछ अपनी प्याली बेटी सिया के नाम तल देना चाहते हैं। पापा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। पापा हम सबको इक्वली प्यार करते हैं। आज उन्होंने जो कुछ भी किया उससे साफ साफ पता चलता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो हमसे प्यार करते तो इस तरह खुलेआम सिया की साइड नहीं लेते। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आई थिंक शी इज राइट। आप क्यों परेशान हो ले हो? चिंता मत करो, सिया तो सब कुछ देने के बाद थोड़ा बहुत जो बचा तुचा रहेगा वो तो हमें मिलेगा ही। कम से कम उस पर तो हमारा हाथ है ही। छोटी माँ, छोटी माँ, अरे छोटी माँ कमाल हो गया। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। अरे छोटी माँ, अगर आप भी सुनेंगी ना तो आप भी खुश हो जाएंगी। तो फिर जल्दी बताना सानी, किसी की परमिशन का इंतजार कर रहे हो क्या? कितने दिन हो गए कोई अच्छी खबर ही नहीं सुनी। तुम तो जानते ही हो ना, इस घर में काले बादल जो छाए हुए हैं, जिंदगी बड़ी बोरिंग सी हो गई है सानी। अरे छोटी माँ, मिरेकल हो गया, मिरेकल। पता है, जिस काम को हम इतने दिन से करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप हो गया। बताओ ना क्या हुआ। अरे छोटी माँ, पता है उन नागपुर वालों के बीच में बहुत जमकर झगड़ा हुआ और मैं अपनी आंखों से ये सब तमाशा देख कर आ रहा हूँ। और पता है किस बात पर हुआ ये सब तमाशा? किस बात को? पैसों को लेकर छोटी माँ, पैसों को लेकर। पता है वो प्रधान और सिया एक तरफ हो गए और उन दोनों ने मिलकर यश, नंदिनी और आदित्य को एकदम से चुप करा दिया, ये कहकर कि सारी प्रॉपर्टी सिया और प्रधान के नाम पर है और उनकी मर्जी के बगैर किसी को एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अच्छा हुआ, आप देखना तुम सनी, आप आएगा मजा। छोटी माँ, इसका मतलब ये सब कुछ मेरी प्लानिंग थी। मैं जानती थी सनी, देर सवेर इतने सारे रुपए देख के इन लोगों की नींद जरूर उड़ेगी। यू आर ग्रेट छोटी माँ, भला आपसे आज तक तो कोई जीत पाया है? छोटी माँ, अगर आप आंखें बंद करके भी पासा फेंकेंगी ना तो वो बिल्कुल ठीक जगह पर पड़ेगा। और आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं उनके। वो क्या है ना सानी, ये लोग मुझे पसंद नहीं है। वो चाहे अपने यूनिटी का कितना भी ढोल बजा ले, लेकिन उसे सुन कोई नहीं पाएगा, क्योंकि लोग वही सुनेंगे जो हम उन्हें सुनाना चाहते हैं। आप ये देखना है कि प्रधान फैमिली के सपने राख के ढेर में कितनी जल्दी बदलते हैं। और उस राख को भी नहीं समेट पाएंगे ये छोटी माँ। पता है प्रधान और सिया ने ये जो सब बातें की ना उनसे, उससे नंदिनी, आदित्य और यश बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। पैरों तले जमीन खिसक गई उन लोगों की। कहा तो उन्होंने सोचा था कि इस प्रॉपर्टी से, इतनी बड़ी जायदाद से वो सब लोग ऐश करेंगे, और कहा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगाया उन्हें छोटी माँ। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा
कि पैसों की खातिर उनके अपने बाऊजी ऐसी बातें करेंगे। अब तो उन्हें सिर्फ उनका भगवान बचा सकता है। नंदनी, नंदनी मुझे पूजा के लिए उठाया नहीं आपने, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुझ भी तो नहीं। सुनिए यश, आप ना जल्दी से उठ जाइए और फ्रेश हो जाइए। फ्रेश? हाँ। पूजा तो खत्म हो चुकी होगी अभी और ऑफिस जाने में बहुत टाइम है, क्या जल्दी है? है वो त्या है ना यश, मैंने आपके लिए घर में ब्यूटिशियंस बुलाए हैं। ब्यूटिशियन मेरे लिए? अरे ब्यूटिशियन तो औरतों के लिए होती है, मेरे लिए क्या है? ओफो, आप तो कुछ नहीं पता, आजकल हाई सोसाइटी से आदमी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे थी मालिश, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वदेला वदेला वदेला। नंदनी मैं ये सब कुछ नहीं करवाने वाला। क्या तुझ नहीं करवाने वाले? सन्नी भी तो ब्यूटिशियन तो बुलाता है अपने घर में बाल कटाने। प्लीज मान जाइए ना। ठीक है, मैं बाल कटवाने को तैयार हूँ, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, आप तो फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब तो करवाना होगा। आपने कभी सनी से डॉल से नहीं देखा? उससे हाथ इतने सॉफ्ट और मुलायम और साफ साफ है, क्या आप अपना इतना भी ध्यान नहीं लग सकते? आप तो ध्यान लेते कि अब से आप मेरी हर बात मानोगे। अब क्या हो गया? अच्छा बाबा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, अब तुम जो चाहोगी वही होगा। हैप्पी? वेरी हैप्पी। अब देखना कि मैं आपके लुक तो कैसे बदल डालूंगी। जी हम लोग ब्लास्ट ब्यूटी पार्लर से आए हैं, हमें यहाँ पे बुलाया गया है। हाँ, मैंने बुलाया। मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप करवाओ दे। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ। अरे मैंने नहीं, आपके लिए बुलाया। मैं नहीं करा रहा हूँ। यश प्लीज, आपको करवाना होगा। नहीं, मुझे पता नहीं है। नहीं 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 यश, आप तो पार्टी है। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। यस यश भी आएंगे, हम दोनों जहाँ जाते हैं साथ में ही जाते हैं। हाँ क्या शहर दे सबसे लईस लोग होने वहां पर, हम भी उन्हीं में से एक हैं। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। ओके बाय। मोना के घर में पार्टी है, मुझे पार्टियां कितनी पसंद है, मैं अभी जाती तैयारियां करती हूँ। शहर दे सबसे लईस लो धोने वहां पर, इधर हम भी किसी से तम नहीं। हाँ वेली दुन, ये हुई ना बात, इतने अच्छे लग लो तुम, पता है तुम तो बले से बले ही लोती चिट्टी तल दो दे। सच नंदनी, तुमने तो मेरी बिल्कुल काया ही पलट के रख दी। कितना फुअर और गवार लगा करता था ना मैं पहले, तो मैं क्या झूठ कह रही थी क्या? पता है अब बहुत हैंडसम लग ले हो, और पता है वो साली ब्यूटीशियन फाइव स्टार होटल से आई थी, फाइव स्टार। तो हम कौन से किसी से कम हैं? अब से हमारे सारे काम बिल्कुल फाइव स्टार वाले होंगे। बिल्कुल। वैसे तुम भी इस ड्रेस में खूब जच रही हो। सच्ची? मुझे थैंक यू। वो क्या है ना, इतनी बड़ी पार्टी है तो मैंने सोचा कि हमें भी हिलोल हिलोई जैसी लगना चाहिए। है? और पता है इस पार्टी में शहर के सबसे लईस लोग आने वाले हैं, तो क्या हम किसी से तम है? एग्जैक्टली नंदनी, बिल्कुल सही कहा तुमने।
तुम दोनों क्या किसी से कम हो? निकिता जी, हम दोनों अच्छे लग रहे हैं ना? तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, वेरी क्लासी, वेरी सोफिस्टिकेटेड। अब जाओ, ये तुम लोगों की पहली पार्टी है, हाई सोसाइटी पार्टी। गो आउट एंड हैव फन। थैंक यू निकिता जी। स्टूपिड क्लाउन्स। बहुत ही शानदार पार्टी है ना। हाँ बहुत, मैंने तो कहा था इतने अच्छे लग ले आप, अब हम भी तो लग ले ना HS, इन सब लोगों की तरह। हाँ मैंने कहा था ना, अब तो अच्छा आपने ये पहन ली। अरे नंदिनी, हाय। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं अभी यही सोच रही थी कि कहीं तुम लोगों ने अपना आने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं कर दिया। अरे नहीं नहीं, इतनी अच्छी तरह से तुमने हमें बुलाया है, हम कैंसिल कैसे कर सकते थे। मैं अभी ने यही तैली थी। अच्छा। मोना बहुत अच्छी पार्टी है तुम्हारी। थैंक्स। अच्छा oh, हाय शिवानी, ये है नंदिनी मेरी दोस्त। Hello. और ये है उनके हस्बैंड यश, ये विश्वनाथ अच्छा। जी के घर से हैं। अच्छा हाँ हाँ, बहुत नाम सुना है उनका। नाइस टू मीट यू। सेम टू यू, हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और ये है शिवानी, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी। हाँ हाँ, वो यमुना साबुन वाले ना। हाँ आप लोग वो यमुना साबुन बनाते हैं ना, मैं भी उसी से ही नहाती हूँ, लेकिन वो साबुन बहुत छोटा है, एक ही टाइम में खत्म हो जाता है। ओह मिस्टर एंड मिसेस नंदा, शिवानी तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानती हो, वो किस तरह के लोग हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके। तो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? वो चाहते तो उधर लग के जाके। अरे वाओ, ये फ्लावर्स थे तो। थैंक यू। माय गॉड यश, ये कैसी पार्टी है? प्लेटो थी ज्यादा, ये पेपर नैपकिन में था ना था ले। नंदिनी बाकी सब भी तो खा रहे हैं, वो देखो। अरे वाह, आपके पास क्या है? जी ये चिकन लॉलीपॉप है। चिकन का लॉलीपॉप? क्या मीठा चिकन अच्छा लगता है? जी ये मीठा नहीं। मीठा नहीं है? अच्छा खाते देते? तुम खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं तो खाऊंगी। अच्छा ये पतलो। थैंक यू। क्या कर रही हो? अरे खाने तो दो, टेस्ट तो करने दो। मीठा नहीं है। भाई साहब ये विस्की है ना, देखा मुझे पता है ये शराब है। लेकिन मैं इसे पीने वाला नहीं हूँ। क्यों? उस दिन पिया था पता है क्या हुआ था? सुबह तक सर में दर्द था। थैंक यू। नहीं नहीं थैंक यू। अरे वाह यश, देखो सब लोग डांस कर ले, चलो ना चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो। सॉरी भाई साहब, इन्होंने देखा नहीं। इतनी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने की क्या जरूरत है? अरे यही तो आजकल का फैशन है, देखो ना साली लेडीज ने ऐसे ही सैंडल पहने हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलो डांस चलो। ओह माय गॉड, ये किन लोगों को बुला लिया मोना ने पार्टी में? अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो गया हमारा, बड़ी मुद्दत से सर्कस नहीं देखी थी, आज देखने को मिल गई। देख लिया तुमने HS वालों की तमीज? चलो हाँ
ठहरो। वक्त का तुम्हें कोई अंदाजा है यश? ये कोई वक्त होता है घर आने का? क्यों? क्या गलत है इस वक्त में? सुबह के 2 बज रहे हैं। तो क्या हो गया? ये लोग भी तो जदे हुए हैं। यश, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इतनी रात के कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? कहीं जाने से पहले अगर पूछने की जरूरत नहीं समझते तो कम से कम बता के तो जा सकते हो। क्या इतना तो बता सकते हो कि लौटोगे कब? फोन करने में कितना वक्त लगता है? त्यू जी, हम तो एक छोटे बच्चे हैं, तीतई थो जाएं दे, और एक साथ इस धल में ले ले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हल फल का हिसाब देना होगा हमें। देना होगा। जब तक हमारे साथ रहोगे तब तक देना ही पड़ेगा, क्योंकि भले ही तुम्हें हमारी परवाह नहीं है पर हमें तो हम किसी से तोई भी उम्मीद नहीं लगते और ना चाहते हैं कि तोई हमसे उम्मीद लगते। साफ सी बात है। तुम लोगों के लक्षण देखकर तो यही लग रहा है कि तुम दोनों से उम्मीद रखना बेवकूफी होगी। ठीक है, तो फिर अपना काम कीजिए ना, दूसरों के मामलों में दखल क्यों दे ले आप? ये क्या तरीका है बात करने का? कोई लिहाज नहीं है? बड़े बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है? भले बुजुर्ग अदल एक तरफ बैठे बदवान का नाम लेते रहे तो अच्छे लगते हैं। आप अपना काम कीजिए और हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। यश, समझा दे अपनी पत्नी को, हम बात तुमसे कर रहे हैं और तुनक तुनक के जवाब ये हमें दे रही है। कह दो इससे आइंदा अगर हमसे ऊंची आवाज में इसने बात की तो अच्छा नहीं होगा। इधर-उधर घूम ले हो, कपड़े नहीं बदलने क्या? क्यों, क्या प्रॉब्लम इन कपड़ों में है? बोलो, क्या प्रॉब्लम इन कपड़ों में? अरे बाबा, तुझ प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बहुत हैंडसम लग ले हो। नंदनी, तुम्हें क्या मैं शक्ल से जोकर नजर आता हूँ? यश, ये क्या कह रहे हैं आप? वहाँ पार्टी में लोग मुझे देख कर घूर क्यों रहे थे बताओ? वो तो इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि आप बहुत हैंडसम लग रहे थे, बिल्कुल ठीक होते जैसे। नंदनी, हैंडसम लोगों को देख कर हंसा नहीं जाता है। देखा तुमने, अच्छा खासा मजाक बना रखा था उन लोगों ने मेरा। अरे, 4 पैसे क्या कमा लिए? उन लोगों को अधिकार मिल गया किसी का भी मजाक उड़ाने का? छोड़िए ना यश, आप अपना दिल क्यों छोटा तलते हो? क्या लगते हैं वो हमारे ते उनके पीछे इतना परेशान हो ले हो? जब आपका मुंह खराब होता है ना, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल एक विलेन जैसे। नंदनी, इसी बात का तो मुझे अफसोस है। अरे, जब वो लोग हमारे कुछ लगते ही नहीं तो क्या हक है उन लोगों को हमारा जी दुखाने का? नंदनी, मैंने तो सोच लिया है कि अगली बार से मैं कोई पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? अब सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, और इनके पीछे हम क्यों अपना मुंह तलाब तले? और मैं बताती हूँ कि इन्हें मुंह तोल जवाब कैसे देना चाहिए। बिल्कुल इनते जैसे बंतल। आप भी किसी से दम नहीं। सही कहा नंदनी तुमने, अब तुम देखना मैं अपने आप को किस तरह चेंज करता हूँ। अरे वो लोग तो क्या, तुम भी मुझे नहीं पहचान पाओगी। यस, यही तो मैं भी चाहती हूँ। सच्ची मुच्ची।